Lecturer in English advised Nawab Shah. Correct the incorrect usage. Number one, build a home. कॾहिं बि build a home न थींदो आहे, build a house थींदो आहे, जंहिंमें सिरूं लॻंदियूं, टीयर, गाडर, RCC, त उहो build a house आहे. Number two, check of RS 5000, it means 5000 rupees. जॾहिं बि चेक जेतिरनि पैसनि जो हुजे त चेक ऑफ न थींदो आहे, चेक फॉर 5000 रुपीस. नंबर थ्री, अ कावर्ड मैन, अ आर्टिकल, लास्ट में मैन नाउन आहे त पहिरियां एडजेक्टिव ईंदी, कावर्ड विल बी चेंज इन कावर्डली, अ कावर्डली मैन. नंबर फोर, कट जोक्स, कट जोक्स, इट विल बी मेक जोक्स और क्रेक जोक्स, CRACK. नंबर फाइव, गिव गुड बाय, कंहिंखे अलाह हाफ़िज़ चओ, ख़ुदा हाफ़िज़ चओ, त गिव लफ़्ज़ नाहे, वी आर बाउंड टू यूज़ बिड, बिड गुड बाय. नंबर सिक्स, ईट द पुअर, ग़रीबनि खे खाधो खाराए, कॾहिं बि ईट न थींदो, फीड द पुअर, फीड द पुअर, द पुअर इज़ नाउन, ऐं इहो नाउन प्लूरल आहे. नंबर सेवन, मेक नॉइस, गोड़ घमसान करणु, मेक अ नॉइस, कॾहिं बि आर्टिकल खां सवाइ इस्तेमालु न कंदासीं, मेक अ नॉइस, आर्टिकल ए, या मेक मच नॉइस. नंबर एट, सी द पल्स, नब्ज़ रिसबी आहे, चेक कबी आहे, उहा सीन आहे, फील आहे, FWEL, feel the pulse. Number nine, with heart and soul, mana dil va jaan sa, commonly we write in this way, it is absolutely incorrect. Remove the preposition with heart and soul, dil va jaan sa. Number ten, bent to do, jadhen bhi lafz bent ache त अपान, अपान खां पोइ इंग फॉर्म, बेंट अपान डूइंग समथिंग, समथिंग मां थो मिलायांसि, बेंट अपान डूइंग. नंबर 11, रिपेंट टू डू, जॾहिं बि लफ़्ज़ रिपेंट इस्तेमालु कयूं त रिपेंट सां प्रेपोज़िशन ऑफ, ऑफ खां पोइ इंग फॉर्म, रिपेंट ऑफ डूइंग, रिपेंट ऑफ डूइंग. नंबर 12, कस्टम ड्यूटी, कस्टम जी माना रस्म रवाज आहे, पर जेका ऑफिसर कस्टम ऑफिसर हूंदा आहिनि, उहो लफ़्ज़ कस्टम न आहे, कस्टम्स आहे, वी आर बाउंड टू यूज़ एस कस्टम्स ड्यूटी. नंबर 13, सेविंग बैंक, सेविंग बैंक न थींदो आहे, सेविंग में एस मिलाईंदा आहियूं, सेविंग से बैंक. नंबर 14, फेमस क्रिमिनल, criminal is used in the bad sense, that's why we are bound to use notorious, not famous. Famous is used in good sense, while notorious is used in bad sense. In a criminal je kare famous na pando, hamesha notorious pando. Wish you best of luck. By God's willing, we shall meet again. Remember us in your prayers. Allah Hafiz.